नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और एक बार जिक्र, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन जिस तरीके से जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, उससे आम जनमानस पर भी असर देखने को मिल रहा है। त्राहिमाम के बाद कई शहरों में आफत की बारिश हुई है। गर्मी से राहत के लिए आमतौर पर लोग बारिश का इंतजार करते हैं। बारिश फौरी तौर पर राहत लेकर तो आई, लेकिन जल्द ये आफत में तब्दील हो गई। और सबसे बुरा हाल गाजियाबाद में देखने को मिला। जिन पर लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की जिम्मेदारी है, उनका ही घर पानी से भरा है। और हम बात गाजियाबाद के नगर आयुक्त के आवास की कर रहे हैं। वहीं खुर्जा में मूसलाधार बारिश से फैक्ट्री जमींदोज हो गई। फैक्ट्री में सो रहे मजदूरों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन फैक्ट्री संचालक को लाखों का नुकसान हो गया। बुलंदशहर का अगर जिक्र करें तो पुल निर्माण में बरती गई लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ गया। जल निकासी का इंतजाम ना होने से बारिश के पानी से खोखली हुई नींव ने लोगों को संकट में डाल दिया है। और हालात ये हैं कि नींव खोखली होने से एक मकान ढह गया, दो मकानों की दीवारें भी दरक गईं और गिर गईं। अब गाजीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 साल से सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से हर साल बारिश में लोगों को टूटी सड़कों और जलभराव की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। बारिश के दस्तक देते हुए जिले में बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। अधिकारियों ने नहीं सुनी तो लोगों को अपनी बात सीएम तक पोस्ट कार्ड के जरिए पहुंचाई गई, और इसके बाद अफसरों के कान खड़े हुए और गड्ढों को पटवाया जा रहा है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। तकरीबन पूरे देश में जब मॉनसून पूरी तरह से छा चुका है और झमाझम बारिश शुरू हो गई है, तब बरसात के चलते समस्याएं सिर उठाने लगी हैं। फिलहाल लोगों के लिए आफत की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। खुर्जा में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी की चपेट में आकर अगोरा गांव में मौजूद टेराकोटा की पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई है। फैक्ट्री में सो रहे मजदूरों ने भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई। तेज रफ्तार से आए आंधी तूफान के चलते संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पीड़ित संचालक ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बुलंदशहर के सराय धारी इलाके के ऊपर कोट के पुल का निर्माण कुछ वक्त पहले ही पूर्ण हुआ है। जर्जर पुल को तोड़कर नया पुल बनाया गया था और 1 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस कारण पानी की निकासी का इंतजाम ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इलाके के 2 घरों की दीवारें और 1 मकान गिर गया। बता दें कि पुल निर्माण के बाद आसपास के घरों की नींवों में पानी भरता जा रहा है और लोग लगातार समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि कोई और हादसा भी हो सकता है। बात यूपी के गाजीपुर की करें तो यहां जल निगम करीब 4 सालों से सीवर लाइन डालने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में गड्ढे हो गए हैं और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वहीं कुछ सड़कों को दोबारा मानक के विपरीत बनाया गया, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए। शहर में लोगों का चलना दूभर हो गया है। बहरहाल समस्या को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 1075 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजे जा चुके हैं। पोस्ट कार्ड अभियान के बाद जल निगम के अधिकारी हरकत में आए और गड्ढों को पाटना शुरू किया। आश्वासन दिया गया कि 20 जुलाई तक सभी सड़कों को चलने योग्य बना लिया जाएगा। सीवर का जो कार्य हो रहा है 2 फेज में हो रहा है, एक हो रहा है फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 की लागत 35 करोड़ के आसपास है और फेज 2 का 109 करोड़ के है। इसमें जो है सीवर लाइन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, सड़कों पे जो खुदाई करने के बाद सड़कें नहीं रिस्टोर हो पा रही थी, इससे इसकी वजह से जिला प्रशासन द्वारा सड़क खोदने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस समय वर्तमान में जो है काम को के दृष्टिगत वो करना भी जरूरी है, तो अभी काम चल रहा था, लेकिन अभी बरसात की वजह से अभी फिलहाल वर्तमान में काम बंद है। अब जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 वर्षों से हम शहर के अंदर कोई भी जनहित का मुद्दा होता है उस पर हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन बरसात के शुरुआत में जो सीवर के चलते हालात पैदा हुए थे, हम लोगों ने कई बार प्रयास किया,
कि ठेकेदारों से जो भी संबंधित फर्म इसमें काम कर रही थी कि वो कायदे से काम करे और जल्द से जल्द उसका निपटारा करे, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। मजबूरी में आकर के जब स्थिति बारिश के समय में बिगड़ने लगी तो हम आंदोलन के लिए बाध्य हुए, और पिछले 5 दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा था, जिसमें ये छात्र नेता दीपक उपाध्याय और समाज सेवी भी है, पीजी कॉलेज का पदाधिकारी भी रहा है, इसके साथ साथ करीब 20 सहयोगी लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। बरसात हर साल आती है और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के दावे करते हैं, लेकिन आए वक्त पर दावों की पोल खुल जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जनहित में जन समस्या और जनहित से जुड़ी हुई बात, और आज बात मॉनसून आ चुका है और मॉनसून की तैयारी लंबे अरसे से शुरू कर दी जाती है, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब ये जमीनी हकीकत सामने आती है। तस्वीरें रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई, खुर्जा, पुलन शहर, गाजीपुर की तस्वीरें, गाजियाबाद की भी तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सवाल ये है कि नगर निगम हरकत में कब आया, जब 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं और इसके बाद नगर निगम हरकत में आया है, और ये हरकत तब हरकत सी लगेगी, तब जिम्मेदाराना अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि समय 20 जुलाई का दिया गया है। तो क्या अब ये 20 जुलाई तक जितनी भी स्थितियां ये सामने आ रही हैं, जल भराव की स्थिति, टूटी हुई सड़कें, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, क्या ये पूरी स्थितियाँ व्यवस्थित हो जाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नगर निगम लापरवाह है, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और ये लापरवाही का नतीजा है कि ये जलभराव की स्थिति और घटिया सामग्री का निर्माण में यूज़ किया जाता है, और इसीलिए इन दावों की पोल खुल जाती है जब भी मॉनसून आता है या बारिश होती है। गाजियाबाद की भी तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। गाजियाबाद में कुछ ही घंटों की बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे गाजियाबाद दावों की, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, उनकी पोल खुल गई है। शहर से लेकर देहात तक सड़कों और गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बता दें कि गाजियाबाद नगर आयुक्त के आवास में पानी भर गया। अब सवाल ये है कि जब नगर आयुक्त के आवास में पानी भर गया तो आम जनमानस के आवास या सड़कों का हाल क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। शहर के नाले नालियां ओवरफ्लो हो चुके हैं। आलम यह है कि लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। पानी भरने से वाहन चालकों को भी समस्याओं का इस बीच सामना करना पड़ रहा है। कब जान पर बनाए ये नहीं कहा जा सकता है, और इसीलिए कहा गया है कि नगर निगम की लापरवाही या जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आज जनहित में इसी बात को लेकर हर जिले के हाल से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर कितने जिम्मेदारी के साथ काम किया गया है। गाजियाबाद और बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। शुरुआत गाजियाबाद से कर लेते हैं। जयवीर मावी, यहाँ पर जब सिस्टम में रहने वाले लोगों के ही आवास में, नगर आयुक्त के आवास में ही पानी भर गया, तो हम आम जनजीवन के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वो सुरक्षित होंगे या वो ऐसी परेशानियों से दो चार नहीं होंगे? देखिए सोनी, जिस तरह कुछ ही घंटों की बारिश के बाद गाजियाबाद शहर से लेकर देहात तक पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, देहात की बात करें या फिर शहर की बात करें, गाजियाबाद शहर में जगह जगह पर जल भराव है, और जो ऐसे रास्ते हैं जहां से अंडरपास से जो लोगों को आवागमन है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। कई कई फुट यानी कि लगभग 10 फुट तक गौशाला जो अंडरपास है वहां पर पानी भरा हुआ है। नगर आयुक्त के आवास में पानी भर गया। गाजियाबाद की तमाम जो गलियां हैं, तो चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी कॉलोनी हो, सभी जो VIP कॉलोनी कही जाती है उनमें भी पानी भरा हुआ है। वही अगर बात करें देहात क्षेत्र, तो गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में मोदी नगर से लेकर लोनी तक जो देहात क्षेत्र है वहां पर तमाम जगह पर जल भराव है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, गांव देहात गांव की गलियों में पानी भरा हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरे शहर की जो तस्वीर है वो सामने रख दिया। जिस तरह जो तमाम विकास के दावे किए जाते थे, उन विकास के दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद में चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, या अन्य जो भी ऐसी सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख की बात करें या मुख्य विकास अधिकारी की बात करें, तमाम जगह
जो दावे किए जाते थे कि बारिश से पहले जो नालियां हैं उनकी सफाई कर दी गई है, नालियां बना दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस नाली के रूप में जो सफाई के रूप में एक बड़ा घोटाला हो सकता है कि जो नालियों के रूप में जो मद जो पैसा खर्च किया जाता है आखिर वो कहाँ जाता है और कितना उस पर काम होता है, क्योंकि कागजों में नालियां साफ कर दी जाती हैं और जब ऐसी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई नजर आती। बिल्कुल जयवीर, देखा जाए जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो उनका तर्क निकल कर सामने आता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आम जनमानस को नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही मानसून आता है और पहली बारिश होती है तो उन सभी दावों की पोल अपने आप ही खुल जाती है। देखिए जैसे ही जो जब अधिकारियों से बात की जाती है, चाहे नगर निकाय किसी भी निकाय के हो या फिर ब्लॉक के अधिकारी हो या फिर ग्राम प्रधान हो, जब उनसे बात की जाती है तो साफ तौर पर कहते हैं कि पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, जो मानसून का जो अपडेट है उससे पहले पहले तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है और बारिश जो है वो कोई प्रभाव नहीं कर पाएगी। लेकिन जब बारिश के बाद उन्हीं लोगों से सवाल जवाब किया जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक चीजें हैं, बारिश है, इसको रोक नहीं सकते हैं और जो पानी है वो कुछ दिन में निकल जाएगा। लेकिन उसकी जो समस्या ठीक बात है, मानसून को नहीं रोका जा सकता और मानसून को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी होता है, किसानों के लिए जरूरी होता है, हमारे जो फसल उगाने वाले अन्न देवता है उनके लिए बेहद जरूरी होती है मानसूनी बारिश। लेकिन बारिश से होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहा है, जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, इसमें जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना रहा? देखिए सोनी, मैं यहाँ पर एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ, आपके केन्यूज के माध्यम से जो दर्शक तमाम यहाँ पर केन्यूज को देख रहे हैं उनके माध्यम से बता दूं कि लोनी ब्लॉक का एक गाँव है मेवला, जिसको एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वच्छता अभियान में गाजियाबाद में एक नंबर यानी कि पहले स्थान का इनाम दिया था, उसे पहले स्थान पर चयनित किया गया था और उसके बाद भी दो बार लगातार वहां पर स्वच्छता का पुरस्कार उस गांव को दिया गया। लेकिन उसी गांव में पिछले एक वर्ष से पानी भरा हुआ है, 30 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस गंदे पानी से प्रभावित हैं और लगातार जो शिकायतें हैं, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद को जब उसकी शिकायत की गई तो उन्होंने जो अधिकारी है जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी है तो उन्होंने कहा कि बारिश का पानी है, जलभराव का पानी है लेकिन निकल जाएगा। लेकिन जब गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक वर्ष से ज्यादा इस गंदे पानी को भरे हुए हो चुके हैं और ग्रामीण जगह जगह पर गुहार लगाकर थक चुके हैं, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हो या फिर ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, ग्राम प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख, तमाम लोगों से उन्होंने शिकायत लगाई। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पानी के वही हालात है, अब एक बार फिर बारिश हुई है तो पानी का जो जल स्तर है फिर बढ़ेगा और ऐसे अब पता नहीं कितने दिन तक इन लोगों को इस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है हमेशा जब भी मॉनसून आता है ये दिक्कतें सामने आ जाती हैं। अनिल मीणा, भरत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से, अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो बुलंदशहर से भी जो तस्वीरें सामने आई, जलभराव की स्थिति देखने को मिली, यहाँ पर भी जगह जगह समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जो जिम्मेदार हैं वो बोलने से बचते नजर आते हैं। और पानी देखा जाए मॉनसून आने के बाद वैसे ही तमाम समस्याएं सामने आ जाती हैं, जब ऐसे में नाले नाली उफान पर होंगे तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, इसको लेकर क्या कुछ कवायद की जा रही है? जो जलभराव से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, आम जनजीवन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ इंतजामात नगर निगम की तरफ से जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है लेकिन बेपरवाह नजर आते हैं? देखिए सोनी, मैं आपको बताऊं, जनता बुलेंसर की अगर बात करते हैं, जनता बुलेंसर में एक ताजा मामला सामने आया, बुलेंसर नगर पालिका का, जो जनता बुलेंसर की सबसे बड़ी नगर पालिका है, अगर बात की जाए तो वहाँ जो नगर पालिका के जो ऊपर कोर्ट पर जिस तरह से पुल का जो निर्माण हो रहा था, वहां से करीब काफी समय से जो मुख्य सड़क पर जो रास्ता बाधित थी उसको लेकर अगर शिकायत जो नगर के जो निवासी हैं उन्होंने काफी कई बार शिकायतें की नगर पालिका में लिखित में शिकायत की, चार दिन से लगातार शिकायतें कर रहे थे कि बरसात होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए इसका के बाद भी उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जाती, अगर बात की जाए स्थानीय मेंबर की तो मेंबर के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की जाती, लेकिन जब
रात तेज बारिश होती है, तो तेज बारिश होने के बाद जिस तरह से एक मकान गिरता है और दो मकानों की दीवार टूट जाती है, तो उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। और माहौल तो लोगों ने जो उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी किसी शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। अगर अन्य बात किया खुर्जा की, जो खुर्जा में और मैं जो आपने पुल का जिक्र किया, पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, एक मुझे लगता है काफी एक लंबा समय भी लगा पुल निर्माण के दौरान, और अब गिरता हुआ नजर आ रहा है, उससे और भी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो क्या जो घटिया सामग्री का निर्माण इसमें यूज किया गया, इस बाबत क्या जिम्मेदारों से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, क्या कुछ कहना रहा? सोनी, मैं आपको बता दूं, बात की है जिम्मेदारों की, जिम्मेदार हर बात से अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ नजर आते हैं। जिम्मेदार किसी भी बात पर संज्ञान लेने से पूरी तरह से बचते रहते हैं। अगर बात की जाए जिम्मेदारों की, तमाम नगर पालिका के अधिकारियों से, नगर पालिका चेयरमैन से, नगर पालिका के ईओ से, सभी से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने फोन उठाना उचित नहीं समझा। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों का जो कहना है, उनका कहना ये लगातार लोग जिस तरह से अभी बरसात शुरू भी नहीं हो पाई है, पहली बरसात हुई है, पहली बरसात से जिस तरह लोगों को परेशानी आई है, तो आगे जिस तरह से मानसून शुरू होने वाले हैं और मानसून में लगातार बरसात हुई, तो उस समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यही बात पुल की, तो पुल में जिस तरह से जो निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य जो चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है। हालांकि जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पर जिस तरह से वहाँ जल भरा हो रहा है, उसको लेकर काफी लोगों में परेशानी का सामना करना, और रोड जो मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण की वजह से जो पानी भरा था, उसी को लेकर वो जो मकान है उनमें सीलन पैदा हुई, और सीलन पैदा होने से वो मकान गिरे हैं, तो उसको लेकर पहले ही लोगों ने शिकायतें की थी नगर पालिका में, कि जो नाली जिससे अटी हुई है इनको साफ कराया जाए, जिससे कि पानी ना रुक पाए, और पानी ना रुकने के बाद बिल्कुल नगर पालिका की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया जल भराव की स्थिति को लेकर? अगर जल भराव की नगरपालिका की तरफ से बात की जाए, तो नगरपालिका क्या कहना है कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, लेकिन अगर बात की जमीनी हकीकत की, जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां करती है, क्योंकि जो तमाम अधिकारी कागजों में तो सभी दावे पूरी तरह से पूर्ण कर देते हैं, लेकिन अगर हकीकत जमीन पर जाकर देखें तो पूरे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। जिस तरह की अगर बात की जाए, अभी करीब एक घंटे पहले बारिश हुई है, और यहाँ की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से शिकारपुर नगरपालिका है, अगर खुर्जा नगरपालिका, तमाम नगरपालिकाओं की जो रास्ता है उनमें तमाम में पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग दावे अधिकारी दावे बहुत करते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल नगर पालिका, नगर निगम और मेयर की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं। राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, भरत सेठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। भरत, आपका रुख करेंगे, अगर देखा जाए अब लगातार, क्योंकि मॉनसून बारिश को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि राजधानी लखनऊ की ही तस्वीर अभी चार दिन पहले आई थी, जहां पर एक बाइक समेत एक व्यक्ति गड्ढे में सड़क धस जाने की वजह से उसमें चला गया था, हालांकि उसे सुरक्षित निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर एक जद्दोजहद के बाद उसकी बाइक भी निकाली गई। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने, इसके लिए क्या कवायद की जा रही है? देखिए, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कवायद अगर ये पहले की गई होती, तो ये शायद जो समस्या है वो न आती। राजधानी की नहीं, तमाम जगह उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या साफ तौर पर देखी जा रही है। राजधानी में एक नहीं, दो नहीं, लगभग तीन तीन चार चार रोडों में गड्ढे हो गए, रोडे सड़कें हैं जो मेन मुख्य मार्ग है वो धस गए हैं, कहीं कार उसके अंदर चली गई है, तो कहीं बाइक सवार बाइक लेकर अंदर चला गया है। लगभग बाइक सवार को तो निकाल लिया गया, लेकिन बाइक को ढूंढने में कम से कम चार घंटे का वक्त लग गया। तमाम जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं जहां रोड धसती है, तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं। नगर आयुक्त की बात करें, इंद्रजीत सिंह मौके पर पहुंचे हैं, वायला करते हैं और निर्देश जारी करते हैं कि ये जहां से जो जल भराव है जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए। राजधानी में जिस तरीके की समस्या है, ये पहली बार नहीं है। हरियाणा के पौष इलाके हैं, जहाँ अस्याला कह दें, गोमती नगर कह दें, जीवीआईटी, जहाँ पर जल भराव की समस्या शुरू से देखी जा रही है, और अब अगर व्यवस्थाएं पहले की गई होती तो शायद सड़कों में पानी तो जल भराव जो रोड का धसना वो समस्या ना होती। फिलहाल आपको जानकारी दे रही कि जिस तरीके से ये नगर निगम की जो नई सरकार है वो अब बनी है, जल्द ही बनी है, लेकिन इनको जो जिम्मेदारी है, तो और जो अधिकारी बैठे हुए थे अपने कुर्सियों पर, उनको उनका बट बनता था कि बारिश को आने से पहले, मानसून से पहले तमाम समस्या है, जो नाले हैं, तो नालियां जो सोख हो जाती हैं उसको दूर करें, लेकिन शायद ये कागजों में तो जरूर दूर हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत साफ तौर पर बयान किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे लखनऊ के तमाम क्षेत्रों में जल भराव है।
बिल्कुल, स्थितियां बेहद विकराल नजर आ रही हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दर्शक भी जुड़ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर और अपनी राय साझा कर सकते हैं। जयवीर मावी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ इकरार खान संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्थितियां बेहद देखा जाए तो गंभीर हैं और इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता को अगर कोई इस तरीके की समस्या होती है और शिकायत भी की जाती है स्थानीय मेयर से, या ये कहा जाए या विधायक तक भी ऐसी समस्याएं पहुंच जाती हैं, लेकिन उसका समाधान होता नज़र नहीं आता और ये स्थितियां जस की तस ये समस्याएं बनी रहती हैं। मॉनसून आने के बाद चला भी जाता है, अगले साल का इंतज़ार होता है और इसके बावजूद भी इन स्थितियों में सुधार देखने को नहीं मिलता। इकरार खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इकरार खान, अगर देखा जाए लगातार हो रही बारिश देखा जाए तो अभी अलर्ट भी जारी किया गया है, एनसीआर समेत प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां नगर निगम या नगर पालिका की तरफ से की गई हैं, क्या कुछ समस्याएं आम जनजीवन में देखने को मिल रही हैं? जी, पता लगा था गाजीपुर में नगर निगम के माध्यम से सीवर लाइन का काम 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम अपनी लापरवाही के मादे चलते गाजीपुर के सड़क की स्थिति है कि अगर बारिश हो जाती तो आप उधर से निकल जाए, लमसम पूरे जनपद की जितनी भी सर के रोड हैं उसकी स्थिति खराब है। मैं बता दूं कि यहाँ के समाज सेवी है विवेक सिंह सम्मी, उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से कम 5,000 लोगों ने एक लेटर लिख मुख्यमंत्री को डाक के द्वारा भेजा है। उसके बाद यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन भी विवेक कुमार समी जो समाज सेवी उनके माध्यम से किया जाता है, लेकिन अभी तक नगर निगम के या नगर चेयरमैन के माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे कि गाजीपुर के शहर के लोगों को कोई सुविधा या रोड के मामले में जो प्रॉब्लम या जो तकलीफ। इकरार, अगर देखा जाए गाजीपुर के लोगों ने इस समस्या को पोस्ट कार्ड के जरिए सीएम तक पहुंचाने की कोशिश की है और 1 लाख तक पोस्ट कार्ड पहुंचाए भी जा चुके हैं, क्या लगता है पोस्ट कार्ड का संज्ञान गंभीरता से लिया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो नहीं लिया गया, लेकिन आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कहा गया है 20 जुलाई तक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। दर्शक ले लेते हैं, इसके बाद आपके पास वापसी करेंगे और आप अपनी बात को पूरा करिए। मोहम्मद जैक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैम, मेरी राय ये है, मैं गांव कैलई जिला कानपुर देहात से बोल रहा हूँ, थाना सिवली पड़ता है, ब्लॉक मैथा है हमारा। हमारे यहाँ कई सालों से एक झील है, उस झील में इतना पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, जो करीब 6-7 साल से पानी की निकासी के सारे रास्ते उसके बंद कर दिए गए, हमारी फसलें डूब जाती हैं, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं है। हमने SDM को, DM साहब को कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार शिकायतें की हैं, गांव के लोगों ने पानी में बैठ बैठ के फोटो उसको DM साहब को भेजे हैं, लेकिन आज तक पानी निकासी का कोई जरिया नहीं बनाया गया, जिसके कारण करीब सैकड़ों बीघे, अब जैसे धान की पौध बोई गई है वो डूब चुकी है, अब कल को धान कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, मतलब किसान बिल्कुल ये समझ लो बर्बाद हो चुका हमारा गांव। बिल्कुल शुक्रिया मोहम्मद जय जी ये राय साझा करने के लिए, और बेहद बड़ी समस्या है, इसीलिए जनहित में से उठाया गया है ताकि जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि आखिर आपकी बेपरवाही, आपकी लापरवाही आम जनमानस के लिए कितना दुखदायी बनती जा रही है। इकरार खान, आपसे हमारा सवाल था। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर की जब पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री को डाक के माध्यम से जब पोस्ट कार्ड भेजा गया, उसके बाद जिला नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने उनको सूचना मिली, उसके बाद उन्होंने भेज गया, लेकिन जितने शहर में जितने भी गड्ढे थे उन्होंने पाटने की कोशिश की, लेकिन जिस समय पाट रहे तो उसके 2 घंटे बाद बारिश होगी, फिर उसी तरह गड्ढा होंगे, कई कई गाड़ियां धसते हुए मिली, लोग उसको धक्का मार के निकालते हुए दिखे। मैं कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर की नगर पालिका की जो सिविल लाइन का काम चल रहा था वो बहुत ही धीरे गति से चल रहा था, जिसकी वजह से अब काम पूरा नहीं कर पाया, लोगों को
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए कि सिस्टम पूरी तरीके से लाचार ही नहीं, अगर पोस्ट कार्ड के जरिए शिकायत पहुंचाई जाती है सीएम तक तो एकदम कछुआ चाल हो जाता है, धीमी गति से काम करता है और काम करने के बावजूद भी हाल जस का तस नजर आता है, यानी कि समस्या का निदान होने के बजाय समस्या जस की तस स्थिर बनी हुई है। हमारे साथ संवाददाता मधुर मोहन भी जुड़ चुके हैं, मधुर मोहन का रुख कर लेते हैं। मधुर मोहन, अगर देखा जाए बारिश, चूंकि अब मॉनसून आ चुका है तो ऐसे में बारिश होना लाजमी है, लेकिन ऐसे में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जलभराव की स्थिति, जगह जगह सड़कों का टूटना और ऐसे में एक्सीडेंट भी होते हैं और तमाम जन समस्याओं का सामना सामने आता है। कानपुर बात करें, कानपुर में बारिश काफी तेजी से हो रही थी, लेकिन पिछले 12 घंटे से 24 घंटे बारिश हुई तो बहुत हल्की बारिश हो रही, लेकिन हम सड़कों बात करें और नगर निगम की व्यवस्था बात करें तो वो लाचार पड़ी हुई है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था ढालूपुर में, एक युवक की मौत हुई थी जल भराव के कारण, उसके बाद भी जल तो भराव वहां से खत्म हो गया, लेकिन जो अभी मलुआ वहां पर है वो अभी भी वैसे वैसे पड़ा है। लोग जो राहगीर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां फिसल रहे हैं, वो गिर रहे हैं, लेकिन नगर निगम अभी भी नीचे तक कहीं पर इसकी शिकायत की गई है, स्वयं विधायक ने शिकायत की उसके बाद भी, लेकिन मलुआ वैसे वैसे पड़ा है। हम कानपुर कानपुर नगर के नवस्था अर्रा की बात करें तो वहां की सड़कों का हाल अभी जस्ट तस्त गड्ढे हैं, लेकिन नगर निगम चेत नहीं रहा क्योंकि बारिश अभी मौसम विभाग ने हाईलाइट कर रखा है कि अभी बहुत तेज बारिश होनी है, उसके बाद भी नगर निगम से चेत नहीं रहा। आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, कल नवस्था में एक गड्ढे में एक दंपत्ति यादव वो गिर के उनके काफी चोटिल हो गई है और भी नवस्था के 1-2-3 मामले, लेकिन अभी तक भी कोई भी नगर निगम का आला अधिकारी हो या कर्मचारी हो वो ना मौके पे जा रहा है, ना गड्ढे भर रहा है, ना वो उसमें मलबा भर रहा है। जी आपका रुख करेंगे बुलंदशहर, अनिल मेड़ा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर देखा जाए क्या कुछ जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां देख पा रहे हैं इस मौसमी बारिश की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई सवाल सिस्टम पर खड़ी करती हैं और जो अनदेखी की जाती है, क्योंकि एक प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को, जब शहरी क्षेत्रों का ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या कुछ स्थिति वहां होगी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जी देखिए बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, जनता बुलंदशहर अधिकांश ग्रामीण ही क्षेत्र ज्यादा है। अगर बात किया सड़कों की तो देखिए मैं आज जिस तरह से बारिश हुई है तो हमारी टीएनएच की टीम ने जिस तरह से लगातार काफी सड़कों का जो आज ग्राउंड रिपोर्ट जाके देखी है, तो अगर बात किया तमाम सड़कों की तो तमाम सड़कों पर जिस तरह से गड्ढे हैं उन गड्ढों में जिस तरह से पानी भरे हुए हैं, उन गड्ढों में यही नहीं पता पड़ता है कि आखिरकार गड्ढे कहाँ है, सड़क कहाँ है, तो लोगों के जो वाहन है वाहन चालक है उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को काफी समस्याएं, जो ग्रामीणों की अगर बात किया तो जिस तरह से जो गाँव की जो रास्ता है उनमें भी काफी पानी भरा हुआ है क्योंकि जल निकासी के लिए किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं की गई है। अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारी भी जो जल निकासी को लेकर पूरी तरह से कुछ कहने को तैयार नहीं है। अगर सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम पूरी तरह से कागजों में तो सभी कामों को पूरी तरह से दुरुस्त दिखाता है, लेकिन अगर जमीन की हकीकत की बात करते हैं तो जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं पूरी तरह से धराशायी होते हुए साफ साफ दिखाई दी। तो अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारी पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके दावों को कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की तो लगातार जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से लगातार सड़कों की जो टूटी बदहाल हालत है उसको लेकर लगातार रोज काफी खबरें चलाई गई हैं। अगर बात किया नगर पालिकाओं की तो आज जिस तरह से पानी भरा हुआ है, अगर बात किया शिकारपुर नगर पालिका की तो शिकारपुर नगर पालिका में जिस तरह से कस्बे के जो लोग हैं वो काफी ट्राई ट्राई कर रहे थे, जिस तरह से पानी भरा था किसी तरह की कोई जल निकासी नहीं थी। जब हमारी नगर पालिका की जो अधिशासी अधिकारी हैं नीचे से उनसे बात हुई तो उन्होंने तत्काल हालांकि व्यवस्था तो की है, अगर किया पानी निकालने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। तमाम बिल्कुल सवाल सीधा सिस्टम से है, सवाल सीधा जिम्मेदारों से है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब मिलेगा। ये जो दावे किए जाते हैं, ये जो बड़े बड़े दावे आप लोग करते हो कि आम जनमानस को ऐसी किसी भी दिक्कत से दोचार नहीं होना पड़ेगा, तो आखिर ये दिक्कतें फिर हर मौसमी बारिश में क्यों देखने को मिलती हैं? जनहित में ये सवाल दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं। यहाँ जनहित में आज जल समस्या, जल भराव की समस्या से जो आम जनमानस में परेशानियां देखने को मिल रही हैं इस समस्या का जिक्र कर रहे हैं। लगातार दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र से चंद्रप्रकाश दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका चंद्रप्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जब मूसलाधार बारिश होती है तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा इसका तो मतलब एक तरह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो ही जाते हैं ये,
उधर दक्षिण हरियाणा में हमारे रिवाड़ी जो है उधर से राजस्थान से भिवाड़ी साइड से पानी आता है और रिवाड़ी डूबने की कगार पे पहुंच जाती है। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जब बाढ़ आती है तो क्या हाल होता है, बिहार पूरा पानी में डूब जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश की नदियों को जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का काफी हद तक निदान हो सकता है, परंतु हमारी राज्य सरकारें इसमें कुंडली मार के बैठ जाती हैं और इनमें सहयोग नहीं करती। जनहित में इनको सहयोग करना चाहिए, अपने जितने मूल जो इनके विचारधारा है उसको त्याग करके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना इन पार्टियों में होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिखती, बिल्कुल नजर नहीं आती। इसीलिए थक हार कर ये कहा जाए, आम जन समस्याओं को ऐसे प्रोग्राम के जरिए दिखाना पड़ता है, ऐसी समस्याओं को बताना पड़ता है, उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए ये कवायद करनी पड़ती है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप बोलते हैं कि जन जन को ये बोला जाता है कि हम ये कर देंगे या कर देंगे आगे से ऐसा नहीं होगा, बोलता कौन है, प्रदेश का मुखिया या देश का मुखिया, उनको क्यों नहीं खड़गड़े में खड़ा कर किया जाता है, खाली अधिकारियों को क्यों खड़गड़े में किया जाता है, हर बार अधिकारियों का क्या दोष है, अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर से क्या आदेश आया हुआ है उसको देखना चाहिए, क्योंकि जहां जहां हमारे प्रदेश कागजी आंकड़ों का खेल है प्रेम जी, कागजी आंकड़ों में अगर हम सब दुरुस्त दिखाएंगे तो कार्रवाई कैसे होगी, किसके ऊपर होगी? मुखिया को खड़ा करिए, मुखिया को खड़ा करिए, देश प्रदेश के मुखिया को खड़ा करिए, उनको दिखाइए। ये अभी वो जा रहे हैं वहाँ पे गोरखपुर जाके, बिल्कुल इसीलिए सवाल तो सिस्टम से भी है और सिस्टम कौन है आप बखूबी समझते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और क्योंकि समस्याएं जो है आम जनमानस से जुड़ी हुई होती हैं। शुक्रिया आपका प्रेम जी राय साझा करने के लिए। अगर देखा जाए जब ये चेयरपर्सन नगर निकाय चुनाव होते हैं या कोई भी इलेक्शन होता है तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाते हैं, समस्याएं जो हमारे नेता हमारे बीच आते हैं जब वोट की अपील करते हैं और इन्हीं समस्याओं पर, इन्हीं मूलभूत समस्याओं पर, बेसिक समस्याओं पर, इन्हीं पर वो वोट मांगते हैं और हम खुशी खुशी वोट करते हैं, उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा जाता कि क्या ये जिम्मेदार पर्सन है, इसे हम वोट देंगे तो क्या ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा? तो ये अवेयर और एक आम जनमानस को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम वोट अपना किसे दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत सेठी, अगर देखा जाए जब ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, अगर हम चेयरपर्सन का जिक्र करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में चेयरपर्सन मेयर की एक अहम भूमिका होती है, ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो मुझे लगता है उसका निदान करने में एक अहम भूमिका होनी चाहिए, क्या ऐसी भूमिका नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हुए, सुषमा खरकवाल लखनऊ की मेयर चुनी गई, ये न्यूज ने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि आप चुनाव जीत चुकी है मेयर पद की, आप अब मेयर बन चुकी लखनऊ की, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है वो जलभराव की है। चुनाव के रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद बारिशें शुरू होनी थी, इसलिए के न्यूज ने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था। उनका जवाब था कि समस्याओं के सामने हम समस्याओं को दूर करेंगे, समस्याएं जो होंगी उसका निवारण किया जाएगा, हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत समस्या रह जाए, लेकिन अब जमीनी हकीकत यह है कि समस्याओं की तो बात छोड़िए, मेयर साहब ने अभी तक किसी भी सड़कों का कोई भी ऐसा उनका वीडियो नहीं आया जो निरीक्षण कर रही है सड़कों में उतरकर किस तरह का क्या माहौल है, क्योंकि जो पार्षद का चुनाव होता है जमीनी स्तर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है जमीनी स्तर का चुनाव होता है, तमाम जो लोग हैं वो इसलिए ये चुनाव में वोट डालने जाते हैं कि ये जो जल भराव है, नाला है, नाली है, तमाम जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, साफ सफाई रहे, ये समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन अभी एक समय कुछ समय बीता जरूर है, ये मानसून में जो समस्या है जनता उसका सामना कर रही है, मजबूर है, घरों के अंदर पानी चला जा रहा है, वीवीआईपी तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, कल वीडियो न्यूज ने दर्शकों को दिखाया था कि सिविल हॉस्पिटल के पास कितना जल भराव हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है। साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी नगर निगम का कार्य जो है जो पहले तैयारी करके रखनी चाहिए थी, मानसून आने से जो पहले तमाम जो नाले की सफाई और तमाम जो गतों को सीवर की सफाई वो देखने को नहीं मिली, जिसका जो मेन कारण है आज जो राजधानी वासी भुगत रहे हैं, जल भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, नालियों में जल भराव है, घरों के अंदर पानी जा रहा है,
इसका जिम्मेदार सिस्टम के साथ साथ जो मेयर भी हैं जिनको जवाब देना होगा सामने आकर कि हाँ ये समस्याएं कब दूर होंगी। मानसून अगले साल भी आएगा, सरकार मेयर की 5 साल की है, आगे देखना होगा कि अभी चलो ठीक है उनका कहना है कि हम दुरुस्त करने का कोई पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए जो दिखना चाहिए आने वाले समय। अगले साल जब मानसून आएगा तो क्या समस्या ये सामना प्रदेश के देशवासी राजधानी लखनऊ के देश जो राष्ट्रीय है वो नहीं करेंगे। ये समस्याओं का दौर है, काफी पुराना चला आ रहा है। राजधानी में मानसून में जो समस्या है वो हमेशा ऐसा सीधस बनी हुई है, कागजों में कार्रवाई होती है, साफ सफाई होती है, नाले की सफाई होती है, जमीनी हकीकत में जब बारिशों का पानी सड़कों पर भर जाता है, रोड पर भर जाता है, तब जो जिम्मेदार अधिकारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। यही जिम्मेदारी अगर पहले निभा ली होती तो शायद सड़कों में पानी जल भराव देखने को ना मिलता। जी बिल्कुल, और इसीलिए भ्रष्टाचार का जिक्र हो जाता है क्योंकि जब घटिया सामग्री के जरिए पुल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, जो पहली ही बारिश में पोल खुलती नजर आती है। इकरार खान, आपका रुख करेंगे, गाजीपुर की तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थितियाँ बनती नजर आ रही हैं। क्या अब 20 जुलाई तक के लिए कहा गया है कि जो सड़कें हैं वो चलने लायक बना दी जाएंगी और सुधार आ जाएगा? क्या कवायद शुरू हो चुकी है? क्योंकि आज 6 जून है तो अब समय अभी काफ़ी कुछ है, तो क्या प्रयास होता नजर आ रहा है? अनम्यूट करिएगा जी। बता देना चाहता हूँ कि जब और सत्येंद्र कुमार सहाय का भिंता से बात हुई, उन्होंने कहा 20 जुलाई तक हम आपको कंप्लीट काम करके दे देंगे जिससे शहर के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो रोड के पिचिंग का काम है वो बरसात बाद होगी। वही विवेक सिंह सम्मी जो समाज सेवी, उन्होंने कहा कि अगर 20 मैं अपना धरना प्रदर्शन जो है अपना आंदोलन खत्म कर रहा हूं, लेकिन अगर 20 जुलाई तक ये चीज लोगों को सहूलियत के हिसाब से नहीं करके दिया गया तो उसके बाद मैं फिर बात दूंगा, अब फिर में से मैं धरना प्रदर्शन या आंदोलन चलाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम इसी तरह करता आ रहा है, हर प्रसाद आता है जाता है, लोग जागरूक होते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन फिर उसी तरह कहीं ना कहीं समाज में देखने के लिए रोडों के लिए आम इंसान को, राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और एक चीज मैं और बता दूं कि गाजीपुर के शहरी एरिया में एक कंडीशन है कि शहर में किसी किधर भी आप चले जाएंगे आपको रोड पे पानी और गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नगर पालिका की जितनी भी सड़कें हैं या जितनी भी सिग्नल लाइन के माध्यम से खराब हो चुकी हैं और उस पे अब तक कोई भी कार्रवाई ऐसे काम नहीं हुआ जिससे कि वहाँ के लोगों को या जिसके दरवाजे के सामने पानी लगा उसको निजात पा जाए। हालांकि पानी लगने से एक और समस्या होती है, उसमें तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी जिससे कि लोगों को काफी नुकसान और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जन समस्याएं जो है उनका अंबार लग जाता है, जब एक समस्या होती है तो 10 समस्याएं उससे जन्म लेती हैं। जल भराव की स्थिति होगी, नाले उफान पर होंगे, नालियां उफान पर होंगे, साफ सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी अपने पैर पसारेंगी और ऐसे में बीमारियों की चपेट में आएगा कौन? हमारा समाज और हमारी आम जनता। कानपुर का रुख कर लेते हैं, हम मधुर मोहन संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, अगर देखा जाए मानसूनी बारिश को लेकर नगर निगम कितना एक्टिव है, जो हमारी पार्षद हैं वो कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जमीनी स्तर पर, क्या कुछ देख पाया? हम बात करें मौसम विभाग के साथ बताया है कि कानपुर को जो उसने हाई अलर्ट रखा गया, लेकिन अभी भी पिछली जो बारिश हुई है उसमें कानपुर जो स्मार्ट सिटी बोला जाता है वो पूरा टापू बन चुका था जिसमें काफी लोगों को दिक्कतें हो रही थी और कम से कम कई मौतें हुई थी जिसमें सबसे बड़ा मामला ढालू पुल को था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यानी नगर आयुक्त जो कभी निकलते नहीं है उनको सिद्धवरी विधानसभा के जो भाजपा विधायक महत्व उन्होंने पर्सनल फोन करके बुलाया था कि आप आइए यहाँ सब के, जब एक विधायक के कहने पर जब नगर आयुक्त नहीं आ रहा तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी? सबसे बड़ी बात यह सामने यह आती है कि चाहे नगर निगम हो चाहे केसर भी कोई अलर्ट किया जाता है तो उसमें बरसात के समय तो नगर निगम और केसा केसको को इन दोनों को अलर्ट कर दिया जाता है कि आप लोग पूरी कमान संभाल रहे हैं कहीं भी कोई दिक्कत होती, लेकिन जब भी इनसे कोई हादसा होता है जैसे अभी ढालूपुर में जो युवक की मौत हुई थी उसमें एक नगर निगम अनम्यूट करिएगा मधुर मोहन, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, दर्शक जुड़ गए हैं उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे। संतोष जुड़े हुए हैं दर्शक पुणे से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी जी, हमारी राय मतलब क्या ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, जी संतोष जी, जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, केवल भ्रष्टाचार ही इसका
वजह से सारी कुछ हो रहा है। अगर हमारे राज्य नेताओं को जब हम लोग चुनते हैं सिर्फ एक कानून हमारे भारत में पास हो जाए कि राजनेता शिक्षित हो, पढ़े लिखे चुने, तो ये सब सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, लेकिन सुधार करने के तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सुधार होता नहीं, नजर नहीं कैसा है। देखिए, ये जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, सत्ता पा जाते हैं, तो जब अनपढ़ लोगों को सत्ता मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, तो अपने आप में पुरानी एक कहावत है कि मैं राजा हो गया। शुक्रिया संतोष जी राय साझा करने के लिए, क्योंकि पहले देखा गया था, अगर पुराने दौर का जिक्र कर ले, जब राजा महाराजा हुआ कर सकते थे, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी प्रजा नतमस्तक रहती थी, और आज भी प्रजा का वही हाल है। राजा का बेटा राजा होता था और नेता का बेटा आज नेता होता है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आधुनिक युग है, लेकिन स्थितियाँ जस की तस नज़र आ रही हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ जी, सरकार जो है केवल बजट खपाने के लिए काम न कराए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को विजिलेंट चेकअप करने का भी व्यवस्था करे। ये जनता का पैसा है जो पानी की तरह जा रहा है, और उसका परिणाम देश को शून्य मिल रहा है, तो वो हर जिले में विजिलेंस बनाए, जो छापे मारे, ये पाइपलाइन के पाइप जो है सब स्टैंडर्ड लगाए जा रहे हैं, लगाने का तरीका ठीक नहीं है, सड़कें बनाई जा रही सब स्टैंडर्ड, इनको चेकअप करके सरकार को सूचना इकट्ठी करनी चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से काम कराएं कि कुछ थोड़ा ढंग से काम हो सके, और ये जबरदस्ती और बहुत क्वांटिटी में काम करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा पानी में जा रहा है और जनता का उसका परिणाम शून्य मिल रहा है। इस पर सरकार विशेष ध्यान दे, क्वालिटी पे ध्यान दे, केवल क्वांटिटी ही ना देखे। बिल्कुल, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा काम हो, लेकिन बेहतर काम हो, तब भी संतुष्टि होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की जो राय होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इसीलिए इसे जनहित में उठाया गया है। आम जनमानस से जुड़ी हुई हर एक समस्या को उठाया जाता है, और मानसूनी बारिश के चलते जो समस्याएं सामने आ रही हैं, सड़कों में गड्ढे हैं बड़े बड़े, लोग कब कहां से निकलते हुए उन गड्ढों का शिकार हो जाएं और उनकी जान चली जाए, ये कहा नहीं जा सकता, और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, और जब इस बात की शिकायत स्थानीय चेयरपर्सन से की जाती है या स्थानीय विधायक से की जाती है या इस विभाग से जुड़े हुए किसी भी जिम्मेदार से की जाती है, तो भी इसमें गंभीरता नहीं बरती जाती है। मधुर मोहन, आपका रुख करेंगे, आपसे हमारा सवाल था, अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल, जैसे जब मौसम विभाग जब भी कोई अलर्ट करता है भारी बारिश को लेकर, तो उसको जो जिला प्रशासन होता है उसमें शायद PWD का हो या फिर केसा के अधिकारी लग रही है, उनको सबको चेता दिया जाता है कि भारी बारिश की आशंका है, आप लोग सड़क पर आएंगे। लेकिन जब भी कोई बड़े मामले होते हैं तो आप उठा देखिए, जैसे ढालू पुल का अभी जो युवक की मौत हुई, डिलीवरी मैन की मौत हुई, उसमें जो वहाँ का कर्मचारी था उसके ऊपर गाज गिरी, उसको पद से हटा दिया गया। यदि बड़े अधिकारी के ऊपर यदि गाज गिरे तो कहीं ना कहीं जो अलग अधिकारी जो अपने एसी वाले कमरों बैठे रहते हैं वो बाहर निकल कहीं ना कहीं काम करेंगे। हम बात करें थी आपके केसा विभाग की, तो इसमें भी जब भी कोई करंट से मौत होती है बरसात में, तो उसके में भी जो छोटा कर्मचारी होता है उनके ऊपर कार्रवाई करके कहीं ना कहीं बंद कर दे। लेकिन सबको भी बताते हैं जब विधान जो प्रतिनिधि होता है, जो विधायक होता है, जब आला अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं तो एक आम जनमानस अपनी बात किससे कहेगा। कानपुर में ये पूरा वाक्य हुआ था, खिदवन विधायक जो थे महेश त्रिवेदी, उन्होंने भी नगर आयुक्त को पर्सनल फोन किया, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया काटने के बाद और आराम करने लगे। कहीं ना कहीं जब विधायक नहीं सुनी जाएगी तो आम जनमानस क्या सुनी जाएगी। कानपुर के दक्षिण बात करें, कानपुर के दक्षिण में सबसे ज्यादा जल भराव होता है। कानपुर के बर्रा की बात करें, दक्षिण में नवस्था की बात करें, तो यहाँ लोगों के घर के अंदर पानी भरता है, लेकिन कोई आला अधिकारी मौके नहीं जाता है। छोटे कर्मचारी JCB लेके जाते हैं, अपनी पंपिंग स्टेशन की टीम लेके जाते हैं, उससे पानी निकालते हैं, लेकिन आला अधिकारी भी मौके पहुंचे जहाँ देखे तो समस्या का समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने कागजी आंकड़ों को इतना मेंटेन कर लेते हैं कि उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की जा सकती है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, शासन से इतना पैसा सीवर सफाई के लिए लगाया जाता है, जल भराव ना हो, जनता को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में सरकार का पैसा पानी में चला जाता है। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं अपनी जेब भरने काम करते हैं, और सबसे बड़ा लापरवाही का काम करते हैं,
ऐसे में तो सीएम को चाहिए सख्त सख्त कार्रवाई करें, उठा के सस्पेंड कर देने का काम करें ऐसे अधिकारियों को। बिल्कुल शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं भरत सेठी, अगर देखा जाए ऐसे ऐसे स्तर की जब समस्याएं सामने आती हैं तो डीएम से भी इस बात की शिकायत की जाती है। ऐसा नहीं है स्थानीय लोग अगर ऐसी समस्याएं हैं, जल भराव की स्थिति है या उससे कोई दुर्घटना होने वाली है तो अवगत कराया जाता है प्रशासनिक अमले को भी, जिला अधिकारी को भी। बावजूद इसके कई बार देखा गया है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। भरत सेठी आपसे हमारा सवाल था। चलिए मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। इकरार खान का रुख कर लेते हैं। इकरार खान, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो जिम्मेदार हैं वो आखिर बचते क्यों नजर आते हैं अपनी जिम्मेदारी से, और ये जो कार्रवाई का एक प्रोसेस है ये बड़ा कछुआ चाल नजर आता है ऐसे मामलों को लेकर। जी बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों का अगर निभाने लगते तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ऊपर से के नीचे तक कह लीजिए सब एक ही रास्ते से चलते हैं और एक ही राय से। मीडिया के लोग कितनी भी खबरें बना, अधिकारी जाते हैं मौके का मुआयना करते हैं, लेकिन फिर होती क्या है, जांच, जांच के बाद कोई झूठा हल नहीं निकलता है। और मैं एक चीज बता दूं, गाजीपुर जनपद में तमाम दिन जैसे वर्तमान के चेयरमैन है सरिता और उनके पति जो है वर्तमान में प्रतिनिधि है, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि मैं आज के सामने उनको बैठाऊं तो उन्होंने मीडिया से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम अभी नहीं कि मैं बात करूं। कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो सिस्टम है, आज जो सिविल लाइन जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी से लेकर नेता तक इसमें बहुत बड़ी गलती और दोषी पाए जाते हैं। अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो नगर पालिकाओं की जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है वो कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिलेगी, और लोगों को आने जाने में जो भी समस्याएं हैं उससे लोगों का समाधान हो सकता है और अच्छे से वो अपना आना जाना सुचारू रूप से चल सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल बीड़ा आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए जब आम जनता तक जो ये हमारे प्रतिनिधि हैं पहुंचते हैं या चेयरपर्सन पहुंचते हैं तो वो सिद्धांत और शिष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जिस कुर्सी की लड़ाई को लेकर, वोट को लेकर वो आम जनमानस के बीच पहुंचते हैं, जब उन्हें वो सत्ता की कुर्सी मिल जाती है तो वो शिष्टाचार और सिद्धांत को उसी कुर्सी के पाँव के तले दबा कर रख देते हैं। समस्याएं, और मुझे लगता है ये इसी का खामियाजा है जो आम जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। जी देखिए बिल्कुल सोनी, अधिकारियों और नेताओं की बात करें तो जिस तरह से जब मुद्दा लेकर जब नेता अथवा जनता के बीच में जाते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाते हैं कि हम ये काम करेंगे, सारे जो जनता की समस्या है उनका समाधान करेंगे। और अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जब चार्ज लेते हैं तो चार्ज लेने के बाद उनका सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तमाम जो जनता की शिकायत है उनको पूरी तरह से सुनेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो अधिकारी ये हो या नेता हो, कुछ दिन बाद उसी रंग में रंग जाते हैं जिस तरह से जो पिछले ढांचा चला आता है, और तमाम जनता की शिकायतें वहीं की वहीं अधूरी रह जाती है। देखिए अगर जनपद प्रशासन की बात करें, जनपद प्रशासन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जनता को पड़ रहा है। अभी अब बात की जाए मानसून शुरू हो चुका है, अगर सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ एक और आएगा कि जनपद प्रशासन में गंगा को लेकर बाढ़ की स्थिति बनेगी, और बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि जनपद प्रशासन में गंगा के जो घाट बने हुए हैं लगातार, वहां पहले से भी पिछली बार भी लगातार कई गांव गंगा की चपेट में आए थे और काफी लोगों को नुकसान हुआ था। अगर अब बात की जाए जो अधिकारियों की, जो मुख्यमंत्री आदेश तो करते हैं लेकिन अधिकारी पहले से तैयारी नहीं करते हैं, और अगर पहले से तैयारी करें तो जनता के लिए परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अगर जिस तरह से अब गंगा बाढ़ मानसून जिस तरह से शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इस तरह पहाड़ों से बरसात का पानी अधिक आएगा तो बुलंदशहर में जो गंगा है वो बिल्कुल गाँव से चिपटी हुई है, लगातार कई जगह गंगा का जो पानी गाँव में घुस जाता है। तो उसको लेकर प्रशासन की बात करें, जिस तरह से प्रशासन जो अधिकारी है जैसे डीएम हो, एडीएम हो, एसडीएम, सीडीओ, तमाम एसडीएम वगैरह, तमाम अगर पहले से ही तैयारी करें, लोगों को पहले से ही बताएं, उनके बारे में जागरूक करें, और जो जो कार्य सफाई कर रहे हैं उनको जो बैरिकेडिंग है उस तरह की लगाएं तो पहले लोगों को समस्या समाधान नहीं समस्या नहीं पैदा होंगी। लेकिन अधिकारी बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर समस्याओं का हल जो है वो सॉल्यूशन जो है वो निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और नगर निगम एक ऐसा देखा जाए नगर निगम
को अक्सर कहा गया है कि सबसे ज्यादा यहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, बावजूद इसके कोई ऐसे लापरवाह अधिकारी पर कोई खिलाफ उसके कार्रवाई नहीं की जाती। एक दर्शक लखनऊ से हैं नीतू सिंह, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। मैम देखिए, जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है, जगह जगह सड़कें धस गई हैं, बाइक कार सब गड्ढों में गिर रही हैं, और अधिकारी कह रहे हैं सीवर लाइन जहाँ पर है वहां से बचकर निकले। अब इनसे कोई ये पूछे कि कैसे जल भराव में कुछ दिखाई देगा, और इसके लिए मैम शासन प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है। पिछले कितने ही सालों से बीजेपी नगर निगम में है लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना नालियां साफ होती हैं, ना सड़कें बनती हैं, केवल कागजों पर काम हो रहा है, ना सड़कों की कोई मरम्मत हो रही है। जो गड्ढे भरे जा रहे हैं मैम वो तुरंत गड्ढे हो जा रहे हैं, आप चेयर डाल के जो लोग बैठते हैं वहां पे तुरंत ही गड्ढा हो जा रहा है। ये कैसी सड़कें बन रही है बताइए। शुक्रिया। ये एक पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इन समस्याओं के समाधान को लेकर या मौसमी बारिश मानसून से निपटने को लेकर, ये जमीनी हकीकत है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपने कितनी शिद्दत से ईमानदारी से ये काम किया है। क्योंकि अगर ये काम ईमानदारी से हुआ होता तो मुझे लगता है ऐसी समस्याएँ आम जनजीवन में आम व्यक्ति को नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर ईमानदारी की बू नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। हमारे मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, अगर देखा जाए अक्सर शहरी क्षेत्रों का जब ये हाल है तो हम ग्रामीण क्षेत्रों का क्या जिक्र करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहद दयनीय नजर आ रही है। हम गांवों के विकास का तो जिक्र सुनते हैं और यहाँ पर लापरवाही शासन स्तर पर भी है और प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि समस्या से अवगत कराने के बाद एक तो प्रोसेस इतना लंबा समझा दिया जाता है, वीडियो को बताओ, एडीओ को बताओ, एसडीएम को बताओ, डीएम को बताओ, इसके बाद नगर निगम अधिकारी से मिलो, तमाम ऐसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सामने आ जाते हैं, लेकिन उस समस्या का निराकरण होना इतना आसान नजर नहीं आता। और मुझे लगता है कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं मधुर मोहन कि लोग थक हार कर ऐसी समस्याओं पर शिकायत करना भी जरूरी नहीं समझते। जी बिल्कुल, हम बात करें कानपुर के स्मार्ट सिटी की, कानपुर स्मार्ट सिटी का जब तालाब टापू बन जाता है बरसात में, तो हम कानपुर से जुड़े हुए बिल्हौर हुआ, आपका सुराजपुर हुआ, चुबेपुर हुआ, बिजनू हुआ, घाटमपुर हुआ, ये एक ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पे तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बगल से जब दहन निकलती है वो फट जाती है, लोगों की फसल खराब हो जाती है, लेकिन जो किसान है वो दौड़ते रहते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं कागजी लिखा पड़ी की बात करें तो शहरी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कागजी लिखा पड़ी में सब कुछ सही रहता है कि सभी नाले सफाई है, जितनी जो नहरें निकली हैं उनको भी सही सफाई कर दी गई है, पानी चल रहा है, लेकिन आम जनमानस को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आम जनमानस खुद जानता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। हम कानपुर शहर के यदि डीएम की बात करें उनसे कई बार शिकायत की गई अधिकारियों की, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वहां की भी शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जनमानस को स्वयं अपनी समस्या का समाधान खुद करना पड़ रहा है, खेतों में खड़े होकर जो बाहर का पानी आता है उनको रोकना पड़ता है बोरी लगा के। हम शहर की बात करें तो अपने लड़का जो व्यक्ति होते हैं वो खुद अपने घर के बाहर नाली साफ करते हैं, लेकिन कोई भी आला अधिकारी मौके पर किसी को सांस नहीं देता कि हम अधिकारी आपके साथ हैं। यदि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई किसी अधिकारी ऊपर होते तो हो सकता है आला अधिकारी खुद रोड पर उतर के इसका समाधान करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आप वोट करते हैं इन बेसिक समस्याओं को लेकर, और जब वोट करते हैं तो मुझे लगता है आपको सोचना समझना होगा कि क्या जो प्रतिनिधि हम चुन रहे हैं ये हमारी समस्याओं का समाधान मुझे दे पाएगा। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा जो पहले राजा होते थे वो एक सेवक के तौर पर प्रजा की सेवा करते थे, और आज हमारे जो सेवक जो नेता हैं वो लग्जरी हो चुके हैं, वो प्रजा की सेवा नहीं करना चाहते, तो इसलिए चुनाव आपको करना होगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।